हालत होता है। अवंती ब्राह्मण उज्जैन में रहते थे, उनका कथा तो सबको पता है। उज्जैन में उनके पास अपार संपत्ति था अवंती ब्राह्मण के। अवंती मतलब अवंतिकापुर कहते हैं, उज्जैन को अवंतिकापुर कहते, तो उसी प्रकार उसका नाम अवंतिका ब्राह्मण कहते हैं उनको। तो उनके पास अपार संपत्ति था, लेकिन एक भी पैसा किसी को, वो भगवान के तो सेवा में छोड़ दीजिए, अपने पुत्र के लिए भी पैंट किन नहीं किनते थे, अपने पत्नी को भी कुछ नहीं किनते थे। तो पत्नी भी रुष्ट थी, पुत्र भी रुष्ट था, हर समय कुछ भी पापा पापा थोड़ा चॉकलेट किन दो, चॉकलेट किन दो, नून मिर्चाई खा के रहो, वो रोटी में नून मिर्चाई लगा के खाते हैं ना, नून मिर्चाई पीस के, तो नून मिर्चाई पीस के उसमें लगा के वो अपने खुद खा देते, वो अपने भी खुद नहीं खर्च कर देते, वो थोड़ा सा घाव हो गया तो उस पर क्या कहते हैं जड़ी बूटी कुछ कुछ पीस पीस के लगा लेते थे, लेकिन दवा नहीं किनते थे, कहीं से आयुर्वेदिक किसी को पैसा नहीं देना, किसी के लिए भी पैसा नहीं खर्च करते थे। उनके संबंधी आते थे तो उनको कुछ खिलाने तो बात छोड़ दीजिए, उनसे अच्छा बोलते भी नहीं थे कि आइए थोड़ा बैठिए, पानी कम से कम फ्री का पानी तो पीजिए। तो इतना मतलब निकृष्ट चेतना था, संपत्ति भी था सब कुछ था, लेकिन वो मुंह से भी किसी को स्वागत नहीं कर पाते थे, किसी को भी नहीं स्वागत कर। तो धीरे धीरे इनका धीरे 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 अब कितना दिन चलेगा, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन तो एक समान नहीं रहता ना, बात समय तो बदलता जाएगा, वो कितना दिन तक संभाल के रखेंगे संपत्ति को। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं धन देंगे तो मैं ऐसे खींच के और जैसे तैसे निकालूंगा, ऐसे डायरेक्ट रूप से गीता दान नहीं करेंगे तो उधर हॉस्पिटल में कुछ बीमारी लगा देंगे, हॉस्पिटल में जाके 1,00,000 रुपया तीर हो, कोई घाव लगा देंगे, चाहे घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ लगा। सच में भगवान के ये हिसाब बड़ी गजब का है, ये समझना बहुत मुश्किल है लेकिन बड़ी गजब का है। जो समझता है, कोई कहता है अरे ब्रह्मचारी होके अभी इतना कष्ट करते हैं, अभी खेलने खालने की उम्र में और जाके इतने रोड पे धुआं खाते हैं, सिगरेट के धुआं खाते हैं, वो सिगरेट गजब के अद्भुत लगता है यार, सिगरेट खाता है उसको धुआं मुंह पर फेंक देते साथ, मतलब हम कई बार धुआं खा चुका, अब उसको डांटू बोलू तो ये पुस्तक नहीं लेंगे, और इसको इससे मीठा मीठा बात करना है तो जैसे तैसे उसे मीठा मीठा बात कर करके और उसको टलते हैं, धीरे धीरे भाई थोड़ा सिगरेट नीचे करो, ऐसे ऐसे करो, नहीं तो उसको बोलेंगे तो वो तो किताब भी नहीं लेंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हो जाता है। तो मैं उज्जैन के ब्राह्मण जो थे तो ऐसे ही थे, वो कहीं भी खर्च नहीं करना चाहते थे, कहीं भी एक पैसा भी नहीं। एक दिन ऐसा आया कि उनके धीरे धीरे संबंधी लोग धीरे धीरे छोड़ने लग गए, पैसा भी कम होने लगा, उनका संपत्ति का जो आर्जन था आय अर्जन था वो धीरे धीरे कम होने लगा, उनके उनका घर में जो गवर्नमेंट का जो क्या कहते हैं ऋण इंटरेस्ट टैक्स कलेक्टर आके उसका जो संपत्ति था वो कलेक्ट करके लेके गए, कुछ डाकू आके उसका जो संपत्ति था वो बचा खोचा सब लेके लूट के ले गए, और जो पुत्र को खाने के लिए नहीं देता वो सदा के लिए लुका के और छुपा के रखने लगे, और उनके पत्नी भी जितने भी था वो सिंगार पटार जितना किन्ना था वो सब कुछ लेके गए। धीरे 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 तो सारा संपत्ति खत्म, इनकी नौबत इतना तक आ गया कि खाने के लिए भी नौबत आ गई, खाने के लिए दो रोटी खाने के लिए भी नहीं थी। एक देश में कहां पर उनके 3 मकान था, उनके पास अपार संपत्ति था, और उनके दूसरे ही दिन 2-3 रोटी खाने के लिए भी नहीं था, पेट भरने के लिए नहीं, क्योंकि भूकंप आया, भूकंप में सारा संपत्ति नष्ट, सारा मकान का मालिक अब एक रोड का मालिक हो गया, रोड में रहो रोड का कचड़ा उठाओ बस। तो उनके रोटी खाने के लिए भी नौबत आ गई, इतना तक नौबत आ गई। तो कब क्या होगा पता नहीं, जितना दिन हमको ये एग्रीमेंट करके नहीं आए कि इतना दिन रहना है यहाँ पर, हैं जाना है यहाँ से,
फिक्स एक भाड़ा पर रह रहे हैं यहाँ पर, कब निकाल देंगे भाड़ा से पता नहीं, घरपट्टी बहुत है, चलाक है यहाँ, यहाँ पे घरपट्टी कह के नहीं आपको भाड़ा से निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देते हैं इस संसार से। ये नहीं कि अब एक महीना के बाद खाली, यहाँ पर तो कम से कम बता देते हैं ना कि एक महीना के बाद खाली करना है, तो हम लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा घरपट्टी है भगवान कि तुरंत काल भेजते हैं, तुरंत उठा लेते हैं, अब जहाँ का जहाँ प्लान होता है वहीं पर चौपट, तो हमारा प्लान कुछ नहीं काम करता है। तो जितना हो सके उतना भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए। अभी अवंती ब्राह्मण का हालत ऐसा हो गया कि खाने तक की नौबत आ गई, तब घर में किसी से मांगने भी जाते तो अब उसका ऐसा था कि किसी से संबंध भी तो नहीं था ना, किसी को खिलाए हो ददाती प्रति गिणति गुहिया माखेती पृछती, किसी को दिए हो तब तो कोई देता है ना, अब इनका किसी से रिलेशन ही नहीं है तो कोई नहीं देता था इनको खाने के लिए। और घर में किसी को मांगने भी जाते थे तो धुतकार के और उसको और दिखा दिखा के घर से भात लाते थे और कुत्ता को डाल देते थे, और इसको नहीं देते थे, पर उसको दिखा के और कुत्ता के देते थे लेकिन उनको नहीं देते थे। और वहाँ इतना तक तो अब यहाँ से अपना गांव छोड़ के धीरे धीरे भिक्षा अटन करने के लिए दूसरे गांव में गए। दूसरे गांव में जब एक व्यक्ति ने उनको दिया खाने के लिए कुछ प्लेट में दिया, तो बैठ के खा रहे थे, तो बैठ के खा रहे थे तो वहाँ के बच्चा सब जो था जाके उनके प्लेट में मूत दिए, पूरा खरे खरे मूत दिए उस प्लेट में, और पूरा एकदम पानी पानी हो गया उसका प्लेट में, भात दाल सब्जी में मूत मूत रख दे, मूत डाल दिया और पूरा एकदम। अब कितना अब करेंगे, उस ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण तो थे, शास्त्र भी पढ़े थे, सिद्धांत भी कुछ पता था, भगवान के बारे में कुछ पता था, भाग्यशाली व्यक्ति थे उनको कुछ भगवान के बारे में पता था। आजकल मूर्ख लोग को भगवान के बारे में बताता हूँ तो कहते हैं इसको पढ़ने से क्या होगा, खाने के लिए देंगे क्या, ये बेवकूफ खाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन आएगा तब तो बचाएंगे ना तुमको। तो इसको जब इतना ज्ञान था तब इनको अवंती ब्राह्मण को अब बचाने के काम आए। जितना भी कष्ट आता था सबको सहते थे, सबको सहते थे और किसी को भी दोष नहीं देते थे कि इनके कारण हो रहा है, चाहे इनके कारण हो रहा है चाहे इनके कारण हो रहा है, किसी को भी दोष नहीं देते थे, सब अपना ही दोष मानते थे। इवन पेशाब करने के बाद भी कोई आता था और उसके टूपी लेके और घुमाने लग जाते थे पीछे से इतना, और कोई आके और कचरा डाल देते थे मुंह पर। हम लोग घर साफा करते हैं तो जाके डस्टबिन में डालते हैं और कोई सीट में डालते हैं, वहां पे कोई कोई उनके सिर पर डाल देते थे सफा करने के बाद। तो इतना नौबत आ गई बहुत गजब के, लेकिन फिर भी उस समय वो एकदम विचलित न होते हुए भी एकदम भगवान को याद कर रहे थे कि ये सब मेरे ही कारण हो रहा है, भगवान को दोष नहीं दे रहे थे। उसमें गाते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु न देव आत्मा न ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण वा मनन्ति संसार चक्रे परिवर्तयेतत्। वो कहते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु, किसी के कारण नहीं, न ग्रह कर्म काला न देव आत्मा, न देवता के कारण, न ग्रह मतलब जो नक्षत्र होता है, कहते शनि पर गया है या क्या गया राहु पर गया है तुम्हारे ऊपर, नहीं किसी के कारण नहीं, न राहु के कारण न शनि के कारण, किसी ग्रह के कारण नहीं, किसी के कारण नहीं, ये जितना मनः परम कारण वामनन्ति संसार चक्रे परिवर्तित, ये जितना भी कारण सारा मन का कारण के मेरे दुख हो रहा है ये सब। उस समय प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, धीरे 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 अंत में जाके भगवान उनको दर्शन भी देते हैं, वो एकदम भगजन